हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू योर ऑन चैनल डॉक्टर एग्री बिजनेस। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करता हूं आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। दोस्तों, आज का जो एपिसोड है वो बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है, स्पेशली जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए, जो बीपीएससी के द्वारा जो एग्जाम अभी जिनका रिजल्ट आया है और जिनका इंटरव्यू अभी जून के महीने में होने वाला है, उनके लिए हम आज के इस एपिसोड में हाउ टू प्रिपेयर फॉर इंटरव्यू टॉपिक पे जो है ये हमारा एपिसोड रहेगा आज का। तो इस इंटरव्यू को कैसे क्रैक करें, कैसे क्वेश्चन से पूछे जाएंगे, कौन चीजों में फोकस करना है, एक्सपर्ट क्या बोलते हैं, कौन सी सावधानी रखना है, कौन सी गलती नहीं करना है, किन चीजों का इंटरव्यू के दिन ध्यान रखना है, कैसे कॉन्फिडेंस को बूस्टअप रखना है, आपको सारे इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स पे आज इस वीडियो में चर्चा होगी। मुझे उम्मीद है ये वीडियो आपके करियर में और आपके इस इंटरव्यू बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है, क्योंकि इससे भी पहले हम इसी एग्जाम के लिए कैसे तैयारी करें इसके बारे में डिटेल में वीडियो लेके आए थे हमारे एक्सपर्ट के साथ, और हम कुछ स्टूडेंट्स ने कमेंट्स भी किया था कि सर अब एक वीडियो लेके आइए कि कैसे हम इंटरव्यू की तैयारी करें। तो हम इस पर एक वीडियो लेके आए हैं, जून के महीने में ये लास्ट में जो है इंटरव्यू होने वाला है। तो आज के जो हमारे एक्सपर्ट हैं जो है एमडी मिराज आलम जी, जो असिस्टेंट डायरेक्टर एग्रोनॉमी है किशनगंज में, और जो बीपीएससी के इसी एग्जाम को क्रैक करके और वो इस पद पे काफी सालों से काम कर रहे हैं। तो सबसे पहले सर बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे इस प्रोग्राम में। सर बहुत बहुत धन्यवाद जी सर इस तरह का वीडियो लाने के लिए। इससे पहले भी हम लोग एक वीडियो बनाए थे जी जी, और बहुत बच्चे जो और आपके पास भी बहुत सारे लोग आए थे, कॉन्टेक्ट किए थे, तैयारी किए हैं और बहुत बच्चे यहाँ क्वालिफाई भी किए हैं। सबसे पहले उनको बहुत बहुत धन्यवाद। बिल्कुल, हमारी पूरी टीम की तरफ से, हमारे एक्सपर्ट की तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं आप सभी का जिनका क्वालिफाई हुआ है एग्जाम, और चाहे वो बीएओ का हो या जो एसओ का हो, किसी का भी एग्जाम हो जो आपने क्वालिफाई किया है, उसके लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। और ये वीडियो भी जो है उसके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो सर सबसे पहले सर के परिचय का मोहताज आप लोग नहीं होंगे, सब लोग जानते हैं सर को, काफी आप लोगों के बीच में पॉपुलर भी है, काफी लोग मिलने भी आते हैं इनसे, इनके कार्यालय में। तो सर के परिचय की हम यहाँ पे आज चर्चा नहीं करेंगे, सर आपको जानते हैं मिराज आलम जी को। तो सबसे पहले सर एक ये जो बीपीएससी का जो एग्रीकल्चर से रिलेटेड एग्जाम्स होते हैं, इस पर आप एक थोड़ा सा एक प्रीव्यू दीजिए कि कौन कौन से एग्जाम में किस तरह से ये बीपीएससी कंडक्ट करवाती है और इसका इंटरव्यू होने वाला है। धन्यवाद सर। इसमें देखिए, सबसे पहले मैं अपना परिचय दे देता हूँ। मेरा नाम मोहम्मद मिराज है जी, और मैं जो है सहायक निदेशक सस्य के पोस्ट पे जिला किशनगंज में कार्यरत हूँ जी, और मुझे किसान के बीच कार्य करने का मौका मिला है। इससे पहले भी आप एग्रीकल्चर में शुरू किए हैं? इससे पहले मैं कृषि विज्ञान केंद्र में भी अपना कार्य 10 साल किया हूँ, वहाँ का भी एक्सपोजर है जी। और सबसे बड़ी चीज है कि बीपीएससी जो है, सबसे पहले ये ध्यान देना है बीपीएससी में जी, कि आपका जो एडवर्टीजमेंट है वो किस सब्जेक्ट से रिलेटेड है जी। बहुत बच्चे इसमें गलती भी कर दिए, समझ नहीं पाते हैं कि जैसे हमारा जो कैटेगरी 1 का बहाली है, कैटेगरी 1 का जो होता है वो एग्रीकल्चर का मुख्य धारा होता है, एग्रोनॉमी, और इसी से जितने भी पदाधिकारी हैं, चाहे वो जिला कृषि पदाधिकारी हो या हमारे संयुक्त निदेशक सस्य है जिसको हम लोग जेडीए के नाम से जानते हैं, या डिप्टी डायरेक्टर है जी, इन्हीं से प्रमोशन होकर उनको वो बनते हैं जी। तो इसमें मुख्य रूप से जो है 2-3 बातें को ध्यान देना है। अभी जैसे कोई भी इंटरव्यू हो उसमें आपको सब्जेक्ट का एकदम नॉलेज एकदम साउंड होना चाहिए जी, थ्योरेटिकल नॉलेज एटलीस्ट पहले, ये पहली बात। ये नहीं कि अब हम कुछ भी पढ़ रहे हैं और उसके बारे में जान नहीं रहे और एक वीडियो देख के आप सोचेंगे कि हमारे इंटरव्यू की तैयारी हो जाए, संभव नहीं है। लेकिन एक प्लेटफॉर्म की सर जरूरत है जी, और उस प्लेटफॉर्म में ये ध्यान देना है कि सबसे पहले जो अभी है, हो सकता है में भी सबका डीबी हो गया जिसको हम लोग डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करते हैं, कुछ बच्चे का हो भी गया है जी। तो अब जो नेक्स्ट फेज आपका बीपीएससी में होने वाला है वो डायरेक्ट आपको इंटरव्यू किया जाएगा जी, लिया जाएगा और इंटरव्यू में आपको बुलाया जाएगा, और फिर आपका जैसे जैसे टेबल होगा उस तरह का इंटरव्यू आपको किया जाएगा। इसमें सर एक दो चीज ध्यान देने की बात है जो बहुत इंपॉर्टेंट है जी। सबसे पहले जैसे आप इंटरव्यू देने चाहिए जा रहे हैं, उसका एक ड्रेसिंग सेंस अच्छा होना चाहिए जी, आपका ड्रेस कोड होना चाहिए। हाँ, एक ड्रेसिंग सेंस ये बहुत जरूरी है इंटरव्यू में, ये आपका ड्रेसिंग सेंस होना चाहिए, पर्सनालिटी और भी पार्ट सर बताइए थोड़ा सा। ड्रेसिंग सेंस इन द सेंस ये कि आप वहाँ हाफ शर्ट पहन के नहीं चल जाए, टाई नहीं लगा ले, टाई लगा नहीं लगाएंगे, टी शर्ट जींस ये सब नहीं, वो जो भी हमारा एक फॉर्मल फॉर्मल लुक है वो भी, सूज अच्छा होना चाहिए, ये पॉइंट अच्छा होना चाहिए, जो आगे जो इंटरव्यू बोर्ड में लोग रहते हैं उसको क्लर अच्छा लगे जी, अट्रैक्टिव लगे, ये चीज ध्यान देना है। सिंपल और सोबर, सिंपल एंड सोबर, एक पहला नंबर ये है। दूसरा नंबर, क्या
आप जब भी इंटरव्यू बोर्ड में बैठेंगे जी, तो वहां से कुछ जो है आप जो ही एंट्री कीजिएगा, आपका आपका सारा वहां डॉक्यूमेंट रहेगा, आपसे नाम पूछेगा, आपका इंट्रोडक्शन जी, इंट्रोडक्शन अच्छे से देना है। कुर्सी पे बैठना है तो फुल कुर्सी पे बैठना है, कि हाफ कुर्सी पे बैठना है, कंफर्टेबल रहना है। और सबसे बड़ी चीज ये है कि हॉपलेस नहीं होना है आपको, ये चीज जानना है कि इंटरव्यू में मैं सबसे ज्यादा जान रहा हूँ और मैं अच्छा से आंसर दूंगा। यदि आप ये सोच लेंगे कि हम कुछ नहीं जानते हैं और मेरे पास बहुत बड़े पदाधिकारी बैठे हुए हैं, तो स्टूडेंट हॉपलेस हो जाता है और उस कंडीशन में आप जो आंसर देते हैं क्वेश्चन का वो भी भूल जाएंगे। सर इसमें कहा भी गया है कि मन के हारे हारे और मन के जीते जीते, अगर आपने मन में ही सोच लिया कि मैं मुझे क्या लोग पेश कर पाएंगे, मैं कर पाऊंगा नहीं कर पाऊंगा, घबराहट नहीं करनी, क्योंकि मन में कॉन्फिडेंस रखना है, तो देट कि आप मन में जीते तो इंटरव्यू तो आप जीत ही जाएंगे। जी सर, उसके बाद जब आपसे सबसे पहले कि इंटरव्यू बोर्ड को आप जहां जिस मतलब विधा में ले जाना चाहते हैं उस विधा में आप ले जा सकते हैं जी, आपसे ये जानना चाहता है कि आपका जो रिटर्न में एग्जाम दिए हैं जो मार्क्स वो तो है ही, इंटरव्यू सबसे इसमें समझिए कि आपका जैसे 50 मार्क्स का होना है 50 मार्क्स, और 50 मार्क्स में आपको उसमें हो सकता है कि आपको 50 भी आ सकता है, 55 भी आ सकता है, 20 भी आ सकता है, जिस तरह का फाइनल के बारे में समझ लीजिए पहले कि उसमें जैसे सत्सिका है तो सबसे पहले दो सब्जेक्ट को अच्छी तरह से पढ़े, एक एग्रोनॉमी दूसरा सॉइल साइंस, ये दोनों कोर सब्जेक्ट है, कोर सब्जेक्ट है, इंटरव्यू में भी इसको पढ़ें और ज्यादा नहीं पढ़ें, इन्हें बहुत डीपली नहीं जाना है। जैसे एक कत्यान बुक आती है वो अरुण कत्यान की बाइबल बोलते हैं, और उसको जो है वो जो है टू द पॉइंट सारा चीज आपको लिखा हुआ है, उसको थोड़ा देख शॉर्ट एंड स्वीट में वो रिवर्स के रिवीजन करने पूरे एग्रीकल्चर के सब्जेक्ट को बेस्ट है वो, एक ये हो गया। और दूसरा जो है इसमें जो इंटरव्यू में आपको देखना है कि ये एक बुक तो आप टेक्स्ट बुक पढ़े ही, इसके अलावा जैसे सरकार के द्वारा जितनी योजनाएं चलाई जाती जी, गवर्नमेंट ऑफ बिहार के, हाँ गवर्नमेंट के एग्रीकल्चर में बहुत सारी योजनाएं हैं, उसको आपको देखना है जी, वो सारी योजनाएं ऑनलाइन है, आप गूगल में भी देख सकते हैं जी, उसके बारे में पढ़ के जाना है, उसका क्या इम्पैक्ट रहा है, क्या चर्चाएं रही है उसके बारे में। नहीं जैसे अभी चल रहा है मान लिया कि खरीफ सीजन है जी, इस खरीफ सीजन में सरकार की कौन सी योजनाएं चल रहा है, जैसे बीज वितरण की योजनाएं सरकार की चल रही है, इसके अलावा अभी माइनर क्रॉप के ऊपर क्लस्टर डेमोन्स्ट्रेशन, क्लस्टर में माइनर क्रॉप मड़ुआ रागी ये सब लगाना है, तो ये सब योजना देखना है कि कहाँ से चल रहा है, कब से स्टार्ट हुआ और कब तक है, योजनाएं के बारे में भी आपसे पूछे जाएंगे क्योंकि आप पदाधिकारी बन रहे हैं कल के डेट में। सर, मैं आपको बीच में रोकना चाह रहा था, उसी पे मैं आपको चर्चा भी करना चाहता कि जो हमारा बेसिकली जो इंटरव्यू में किस तरह के क्वेश्चन पूछे जाएंगे उस पर भी स्पेसिफिक बताइए, जैसे आप बता रहे हैं लेकिन फिर भी स्पेसिफिक में, जैसे कि एग्रीकल्चर में इंजीनियरिंग हो गया, एग्रोनॉमी हो गया, सोशल साइंस हो गया, या जनरल जो एग्रीकल्चर है उस तरह से, या फिर कोई जनरल नॉलेज के क्वेश्चन पूछा जाता है, इकोनॉमी के देश में क्या चल रहा है, इस टाइप का भी कुछ पूछा जा सकता है। नहीं सर, इसमें जो मेन है लोग ये जानना चाहते हैं इंटरव्यू बोर्ड आपसे जी कि आप अभी किस विधा में काम कर रहे हैं, उसमें बहुत बच्चे हैं कि ऑलरेडी वो कहीं ना कहीं एंगेज है, वो सर्विस कर रहे हैं या कुछ कर रहे हैं, जैसे कोई पीजी कर रहे हैं, कोई एमएससी पीजी कर रहे हैं या पीएचडी कर रहे हैं, तो जो ही आप इंट्रोडक्शन देंगे तो आपसे पूछा जाएगा कि आप पीएचडी कर रहे हैं तो इसमें क्या रिसर्च कर रहे हैं, तो जो आप रिसर्च कर रहे हैं उसका डिटेल्स देखें, मतलब जो आपका एरिया उसमें आपकी पकड़ रहे हैं उसके एरिया में, उसमें कोई कोताहल मत कीजिए, उसको अच्छी तरह, मान लिया कोई बिहार सरकार में ही इम्प्लाई है तो वो देख लें कि बिहार सरकार में हमारा वर्क एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, हम क्या क्या कर सकते हैं जी, तो ये चीज बहुत जरूरी है जानना। इसी से एक क्वेश्चन मुझे याद आया, वर्क एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी की बात कर रहे हैं तो जैसे अभी इसमें बहुत सारे पोस्ट है आपने जिक्र भी किया है, लेकिन हम एक जैसे बीएयू का एग्जाम पेपर ले लेते हैं सर, जैसे बहुत सारे हमारे जो स्टूडेंट्स हैं हमारे कॉलेज के भी और बाकी कॉलेजेस के भी, वो बीएयू में क्वालिफाई किए हैं और इंटरव्यू देना है, तो उसका उनको भी एक आइडिया रहना चाहिए कि बाद में जाके उनको कैसे रेस्पॉन्सिबिलिटी फील मतलब बियर करना है, तो उनके रोल और रेस्पॉन्सिबिलिटी क्या होता है सर कुछ अपने। ब्लॉक एग्रीकल्चर ऑफिसर का मतलब ये है कि आप ब्लॉक स्तरीय जितने भी योजनाएं हैं जी, जो भी योजनाएं सरकार का इम्प्लीमेंट होता है पहले राज्य से जिला में आता है और जिला के जो हेड होते हैं उनके दिशा निर्देश में ब्लॉक एग्रीकल्चर को ऑफिसर को वहां जाते हैं जी, और वहां ब्लॉक बीओ के अंडर दो तीन पोस्ट के लोग हैं, जैसे पहला है आप एग्रीकल्चर कोऑर्डिनेटर जिसको कृषि समन्वयक भी बोलते हैं, और दूसरा किसान सलाहकार है, मेजर ये दोनों का रोल है बिहार सरकार में कोई भी योजना इम्प्लीमेंट करने का, सब ऑनलाइन है, डीबीटी के माध्यम से सारा किसानों को भुगतान होना है और उनका जो है आईडी जैसे बिहान ऐप का नाम सुने होंगे, वो सारा ऑपरेट हमारे कोऑर्डिनेटर का लॉगिंग से होता है, कोऑर्डिनेटर के भी लॉगिंग है, फिर डीओ के बीओ के लॉगिंग है, तो वो जितनी भी योजनाएं ऑनलाइन हो रहा है किसान जैसे आवेदन दिया उस आवेदन को यदि आवेदन सही तो एक्सेप्ट करेगा, यदि गलत है तो उसको रिजेक्ट करेगा, फिर से अप्लाई करेगा,
सारी योजनाएं मतलब ब्लॉक स्तरीय पर आपका कंट्रोल है, इसमें ब्लॉक में उसको इम्प्लीमेंट करवाना, मॉनिटर करना, रिपोर्ट करना है ना, वो सब आपका जिम्मेदारी है। इसके अलावा आपके सरकार के द्वारा जितने भी प्रशासनिक कार्य हैं वो भी टाइम टाइम पे, वो भी करना, टाइम टाइम पे आपकी भागीदारी दिया जाएगा, उसको भी आपको निभाना है। तो सर ये जो इंटरव्यू इस तरह से क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि जैसे बीओ का इंटरव्यू होगा उसे पूछा जा सकता है, अगर आप बीओ में आपको फाइनल सिलेक्शन हो जाता है तो आप इस पर्टिकुलर काम को कैसे, इस तरह का क्वेश्चन पूछा जा सकता है सर? डिफरेंटली पूछ सकते हैं। यदि आप कोई मान लिया कि आप एग्रीकल्चर कोऑर्डिनेटर में हैं, बीओ में सिलेक्शन हुआ है आपका, तो ये हो सकता है क्वेश्चन इस तरह का हो कि आप यहाँ क्यों आ रहे हैं, या जो पीएचडी है कर रहे हैं तो उनसे ये ज्यादा क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि आप जब रिसर्च का काम कर रहे हो तो आप इसमें पदाधिकारी बनना क्यों चाहते हैं, आप रिसर्च एंड डेवलपमेंट में जाइए, टीचिंग में जाइए या कोई और बड़ी, तो उसको आपको पॉजिटिवली जवाब देना है। आपको ये बताना है कि सर एक यदि कोई बीएससी एग्रीकल्चर करके वहां जाता है तो किसान को जो टेक्निकल एडवाइजरी है उससे हम बेहतर दे सकते, बेहतर दे सकते हैं, और किसी भी योजनाओं को इम्प्लीमेंट उससे हम बेहतर बेहतर कर सकते, क्योंकि हमारे पास नॉलेज है, उस सब्जेक्ट का नॉलेज है, यानी उस सब्जेक्ट का नॉलेज है, उस पर वो काम किया है, तो उस पर आप मतलब एज मतलब हायर एजुकेशन आप लिए हैं तो एक बीएससी एग्रीकल्चर जो भी करके ये और हायर एजुकेशन वाले जाते हैं तो उनका सोच में बहुत अंतर होता है। उसमें इस तरह से कॉन्फिडेंस को लोअर नहीं करना है कि मतलब तो क्या है? उसमें मतलब ये नहीं आना चाहिए कि सर मुझे नौकरी चाहिए इसलिए मैं आ रहा हूँ क्योंकि मुझे तो मतलब वो नेगेटिव जाएगा वो आपके, नहीं तो इस तरह के क्वेश्चंस नहीं होना चाहिए वहाँ पे, वहाँ पे आपको पॉजिटिवली मोटिवेट करना है कि भाई सर क्योंकि बीएससी एग्रीकल्चर वाले बच्चे से ज्यादा मैं उसको परफॉर्म कर सकता हूँ क्योंकि मेरे पास ज्यादा नॉलेज है और मैं बेहतर कर सकता। इसके अलावा अभी आपको लगता है कि बहुत सारे चीज ऐड हम कर सकते हैं तो वो आप ऐड कर सकते हैं। और सबसे बड़ी चीज है इंटरव्यू में जो भी इंटरव्यू बोर्ड के में वो फाइनल में जो भी रहते हैं वो आपसे क्वेश्चन पूछते हैं तो क्लियर कट आंसर आना चाहिए। यदि आपको नहीं आना चाहिए और क्लियरली बोल दीजिए उसको नहीं जाना है। दूसरा आपको रिजिड नहीं होना है, आपको रिजिड नहीं जिद नहीं पकड़ लेने की, नहीं सर क्वेश्चन ऐसे पूछेंगे कि आप सही बोल रहे हैं, आपको लगता है कि आप सही बोल रहे हैं और वो बोलेंगे कि नहीं ये तो नहीं होता है, वहां पर ये बोल रहे सर मैं इस तरह पढ़ा था सर देखा था लेकिन मेरे हिसाब से यही होगा सर, हो सकता है सर मैं भी सर, यू आर राइट सर। तो इस तरह के भी आपको टेस्टिंग किया जा सकता है क्योंकि आप एक पदाधिकारी बनने जा रहे हैं और आपके पर सरकार की दायित्व है, बहुत बड़ी दायित्व एक पदाधिकारी पे होता है, चाहे वो बाढ़ हो या योजना हो या किसी तरह की आपदा हो, उस सभी आपदा में आपको उस लेवल का आपको मतलब सोच रखना पड़ेगा और काम करना पड़ेगा। जी सर ये दोस्तों यहाँ पे इंटरव्यू थोड़ा लंबा हो सकता है क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत सारे क्वेश्चन सर से पूछेंगे ताकि आपके डाउट क्लियर हो जाए, तो थोड़ा सा लेंथी हो सकता है। सर मेरा अगला क्वेश्चन इसी से जुड़ा हुआ है कि जो आप बताए थे कि आपको कॉन्फिडेंस रखना है, इस इंटरव्यू में कम्युनिकेशन स्किल्स का या जो कॉन्फिडेंस लेवल है या मोटिवेशन लेवल है उसका भी कोई रोल होता है सर? बहुत बड़ा रोल है। देखिए जब तक आप किसी क्वेश्चन को बहुत लोग देखिएगा झूठा भी आंसर देता है बहुत कॉन्फिडेंट होके तो लेकिन आपको इसमें झूठा आंसर नहीं देना है, सच्चा आंसर देना है लेकिन कॉन्फिडेंस कॉन्फिडेंट होके डरना नहीं क्योंकि आपको जो है अभी हॉपलेस कभी नहीं होना है, इसलिए इसमें कम्युनिकेशन स्किल की बहुत जरूरी है। आपको लगता है कि हम बहुत बच्चे हैं कि पढ़ने में बहुत तेज होते हैं लेकिन बोलने में थोड़ा पुअर होते हैं, तो उनसे रिक्वेस्ट है कि आप थोड़ा प्रैक्टिस करें, चार बच्चे बैठ के आप किसी भी क्वेश्चन का आंसर अच्छा से दें, जिस तरह के आप देखते होंगे बहुत सारे इंटरव्यू में मॉक कराता है या कुछ कराता है तो उससे आपको जो है कुछ आपका इम्प्रूवमेंट होता है बोलने का तरीका बैठने का तरीका, तो ये सब चीज थोड़ा सा आप लोग प्रैक्टिस कर लें तो और अच्छा है, और घबराने की कोई बात नहीं है। यदि आपका रिटन एग्जामिनेशन बढ़िया है तो इंटरव्यू में कुछ कम नंबर भी आता है तो मेरिट आपका बनेगा। लेकिन प्रयास करना है कि मेरा लास्ट अटेम्प्ट है और पूरा ये हमारा फर्स्ट लास्ट अटेम्प्ट है और इसको अच्छी तरह से देना है। इसमें मैं सर एक चीज और ऐड करना चाहूंगा कि जब भी आप इंटरव्यू में, एक चीज तो जरूर ध्यान रखिएगा कि जब भी आपसे इंटरव्यू में अगर सवाल करता है तो सबसे पहला काम आपको करना है कि पेशेंसफुली रिलैक्स मोड में इसको सुनना, क्वेश्चन को जवाब देने बहुत जल्दीबाजी नहीं करनी कि क्वेश्चन खत्म नहीं होने से पहले, भी जनरली आज के लोग करते हैं कि सवाल समझते हुए उससे पहले जवाब देने लग जाते, सवाल सुनेगा उसके बाद पोलाइटली आराम से कॉन्फिडेंस में जो है जवाब देना। सर दूसरा एक इसमें देखिए क्वेश्चन दो चार बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, जैसे बिहार का है, बिहार में जैसे कोई भी एग्रीकल्चर से रिलेटेड है तो उसमें देखिए कि क्या कवरेज है, इसका ड्रॉबैक क्या है, इसको हम बेहतर कैसे करें, इस टाइप का जो भी क्वेश्चन है उसको आप लोग पढ़ लें पहले से तैयार कर लें। आप भी सर एवीएम के प्रोफेसर हैं सर, बहुत अच्छा है आपका एग्री बिजनेस मैनेजमेंट को की, तो आप भी इसमें सर कुछ ऐड कीजिए ताकि जो है बच्चे को जो है अच्छे तरह से इंटरव्यू तैयारी करके जाए। और
सरकार को एक अच्छा पदाधिकारी मिल सके जी। हम लोग का पहल रहता है, कोई भी बच्चे तैयारी कर रहे हैं तो अच्छे पदाधिकारी जब भी क्या बोलते हैं किसी भी विभाग में आता है तो विभाग का कायाकल्प चेंज हो जाता है। तो हम लोग का हमेशा प्रयास, आप लोग प्रयास कीजिए कि एक अच्छे पदाधिकारी बने और बढ़िया से तैयारी करें। सर भी आप भी कुछ ऐड कर सकते हैं सर। जी सर, मैं यही कहूंगा कि एग्री बिजनेस से रिलेटेड अगर क्वेश्चंस की बात आपसे पूछते हैं तो बिहार में आपको इन चीजों फोकस करना है कि बिहार में जो हमारा एग्रीकल्चर है उसको कैसे बिजनेस का रूप दे सकते हैं। जैसे बिहार गवर्नमेंट जो है बहुत सारे इनिशिएटिव ले रखा है, जैसे जो कमर्शियल क्रॉप है स्पेशली हॉर्टिकल्चर क्रॉप है, उन पर भी आपको फोकस रहना चाहिए कि ड्रैगन फ्रूट को कैसे हम जो है कमर्शियल लेवल पर बढ़ा रहे हैं, गवर्नमेंट क्या क्या स्कीम ला रही है, कितना परसेंट उसको सब्सिडी दे रहे हैं और क्या क्या पॉसिबिलिटीज है हॉर्टिकल्चर क्रॉप में, कैसे पॉसिबिलिटीज है, चाहे आपका ड्रैगन फ्रूट हो, चाहे आपका पाइनएप्पल हो, चाहे आपका कुछ टीका हो। टीके लिए गवर्नमेंट इस बार तो बिहार टीके नाम पे गवर्नमेंट बहुत बड़ा स्टेप लिया है। तो ये आपको पॉसिबिलिटी देखना चाहिए कि कैसे जो है युवा उसमें बिजनेस ढूंढता है या कैसे हम किसानों को वो मूल्य दिला सकते हैं ताकि वो ज्यादा बेटर दाम मिले, ताकि खेती किसानी को छोड़े नहीं और वो उसमें जुड़े ज्यादा। तो ये मेरा रहेगा। सर मैं फिर से आपसे क्वेश्चन करूंगा कि अभी तक हमने क्या डिस्कस किया, सबसे भी हमने जाना कि क्या चीजें हमको करनी है कि हम आपका इंटरव्यू जो है वो बढ़िया से क्लियर हो जाए, इसके अलावा हमने बोला क्या करना है। सर अभी हमको वो चीज बताइए जो हमारे जो एक्सपीरियंस है इंटरव्यू के लिए, उनके लिए वो चीज बताइए जो उनको नहीं करनी है, कॉमन मिस्टेक जनरली हम लोग इंटरव्यू में कर देते हैं, बहुत सारी गलतियां करते हैं। सबसे पहले कि जो बीएससी एग्रीकल्चर किए हैं कोई भी कमीशन का क्वेश्चन होता है या पीसीएस का होता है तो बीएससी लेवल ही सारा क्वेश्चन होता है जी। तो सबसे पहले आपको जो भी है बीएससी लेवल का चीज है उसको अपडेट कर लीजिए। अपडेट करने का मतलब पूरा तो नहीं देख सकते हैं लेकिन सुपर और बढ़िया चीज, कोई भी चीज टॉपिक जो है वो उसका जो है आपको फंडामेंटल चीज आना चाहिए जी। ठीक है, जैसे सीड है तो सीड के बारे में आपको आना चाहिए कि क्या होता है सीड, कैसे होता है, कितने तरह का, इस टाइप का क्वेश्चन आपको हो सकता है पूछे जाएंगे और उसी से रिलेटेड वो बढ़ते जाएंगे जी। ठीक है, और आप सबसे पहले आप ये ध्यान दीजिए कि इंटरव्यू में जिस क्षेत्र में काम कर रहे हैं उस क्षेत्र में उनको ले जाने का प्रयास करें तो आपका इंटरव्यू आसान हो जाएगा और वो भी जानना चाहता है कि जिस क्षेत्र में आप अभी काम कर रहे हैं उसका नॉलेज आपके पास है। बहुत बच्चे भी जैसे बैंक की तैयारी करते हैं, बैंकिंग में भी उनका भी रिजल्ट हुआ है, बहुत लोग है कि इफ्को में है उनका भी रिजल्ट हुआ है, बहुत लोग हमारे बिहार सरकार में पूर्व में एटीएम बीटीएम काम कर रहे हैं तो उनको सारी योजना की जानकारी है। तो ये सब चीज है कि कोशिश करें कि आप अपने फील्ड में ही उनको लेके जाएं जी। ये बहुत अच्छा बताया सर, रियल में ये बहुत अच्छी चीज है। हालांकि इंटरव्यू इस बात को जानता है लेकिन वो आपको इसके स्ट्रेंथ के रूप में लगेगा कि इस बंदे में इतनी एबिलिटी है कि चीजों को अपने हिसाब से वो मैनेज कर पाएगा। तो इंटरव्यूअर जो है उसको लाइए अपने नॉलेज के फील्ड में जिसमें आपकी पकड़ है, तो फिर वो आपको उसमें टेस्ट करेगा और उसमें जब आपको पता आपने उसकी तैयारी की है तो आप उसमें आराम से उनको सर्टिफाई कर सकते हैं, उनके सवालों का जवाब दे सकते हैं। ये एक अच्छा पॉइंट बताया सर ने। और एक चीज और सर ऐड करना चाहते हैं जी, बहुत बच्चे के दिमाग में ये होता है कि इंटरव्यू तो अथाह चीज है, पढ़ने से कुछ नहीं होगा, बहुत लोग इस तरह के भी इंटरव्यू क्या तैयारी करना है तैयारी नहीं करना, लेकिन ये चीज कभी भी गलत फहमी आप निकाल दें। सरकार चांस एक बार देती है, पदाधिकारी एक बार बहाली हो जाने के बाद फिर रिक्तियां होने के बाद सरकार निकालती है क्योंकि ये फिक्स है, ब्लॉक एक ही है उसमें एक ही पदाधिकारी रहेंगे ब्लॉक स्तरीय। तो आप लोग ये प्रयास करें कि हम जो भी जानते हैं उसको पूरा पढ़ लें, जो भी है जिस विभाग का, मान लिया कि अगर सस्य का बहाली है तो सस्य से रिलेटेड सारा क्वेश्चन देख लें, उसमें सॉइल साइंस एग्रोनॉमी है। मान लिया कि बहुत लोग है कि असिस्टेंट डायरेक्टर प्लांट पैथोलॉजी का भी पोस्ट है जो एडीपीपी है, सहायक निर्देशक पौधा संरक्षण का है, तो उसमें आप मेजर क्रॉप्स के इंसेक्ट पेस्ट डिजीज मैनेजमेंट साइंटिफिक नेम हुआ, कॉजेटिव एजेंट हुआ, मैनेजमेंट एंड कंट्रोल हुआ, कौन सा डिजीज कौन है और मेजर क्रॉप यहाँ पे जो है बिहार में क्या क्या अकरेंस आता है, उस डिजीज में कौन सा अकरेंस आ गया, कब क्या करना चाहिए, हमको क्या एडवाइजरी देना चाहिए, कौन सा योजना हम फॉर्मुलेट जो है जिला अपने जिला को के लिए कर मतलब सजेस्ट कर सकते हैं या हम लोग बता सकते हैं कि सर आप ये इस जिला में ये समस्या है, तो इस चीज के बारे में आपको नॉलेज रहेगा तभी होगा। नहीं तो क्या होता है कि आप जो है पौधा संरक्षण के पदाधिकारी हैं, किसान आपसे डायरेक्ट पूछेंगे कि आपका ये बीमारी है सर कैसे कंट्रोल है, उनको किसान को ये नहीं पता है कि आप क्या है, आप पदाधिकारी आप योजना को इम्प्लीमेंट करते हैं लेकिन आपको उस चीज का नॉलेज रखना पड़ेगा। ठीक है, उसी तरह जैसे सहायक निर्देशक इंजीनियरिंग है ये भी आपको जो आपका जो भी विधा है उसको अच्छी तरह से पढ़ें। इसके अलावा जो है असिस्टेंट डायरेक्टर सॉइल केमिस्ट्री है,
तो उस क्षेत्र में आप लोग ध्यान देते चीज़ एटलीस्ट आपको चाहिए। आप लोग को जानकारी होना चाहिए कि ये चीज ये हम करेंगे, तो ये हमको ये इस सब्जेक्ट में ये चीज हम लोग पढ़े हैं तो इससे ये फायदे हैं। तो सबसे पहले ये चीज ध्यान दें कि इंटरव्यू को आप लोग कोई भी लाइटली ना लें, हल्के में ना लें, क्योंकि हल्के में लेने में से आपको नुकसान हो सकता है। सर मैं आपसे एक फाइनल एडवाइस लूंगा, उससे पहले मैं हमारे जो दर्शकों को रिवाइज करवा देना चाहता हूँ एक चीज कि आपको कौन कौन सी गलतियां नहीं करना है। एक तो नर्वस नहीं होना है, दूसरा किसी भी चीज को हल्के में नहीं लेना है, जो एग्रीकल्चर से रिलेटेड जो स्टैटिस्टिक्स है, जो प्रोडक्शन से रिलेटेड डेटा है, उनको अपडेट होकर जाना, बिहार में कितना प्रोडक्शन है, किसका होगा, कितना है पल्सेस का, कितना है हॉर्टिकल्चर का, कितना कंट्रीब्यूशन है जीडीपी का, ये जो नॉर्मल क्वेश्चन है जनरल कल्चर के, वो आपको अपडेट रहना है। और स्ट्रेस नहीं लेना है, वहां पे आपको स्ट्रेस नहीं लेना है कि इंटरव्यू है, सिंपली जाइए जैसे आप अपने टीचर के पास जाके बात करते हैं शालीनता से, वैसे ही जाके आप वहां से भी बात करिए, जो सवाल पूछते जवाब दे के आइए। उनको लगना चाहिए कि कितना कूल बंदा है और कितना आराम से जवाब दे रहा है, ये चीज उनको भा सकती है, उनको पसंद आ सकती है। इसके अलावा आंसर देने में बहुत ज्यादा जल्दीबाजी नहीं करना है, जिद नहीं करना वहां पे, नहीं सर ये जो है वही है, मैंने बहुत सारे देखे हैं मेरे फ्रेंड्स इंटरव्यू में, वो जिद दे देते, रिजिड नहीं है। आप कह सकते हैं सर मेरा इसमें यही मेरा नॉलेज था और यही मेरा इसे मंत्र है, आप सही हो सकते हैं, ये भी मत बोले कि मैं गलत हो सकता हूँ, आप बोले सर आप सही हो सकते हैं, मैं इसके पे नहीं जाऊंगा लेकिन मुझे इतना पता सर, है ना। तो उस चीज को एक्सेप्ट करिए, जिद नहीं देना है, क्योंकि जिद देना किसी भी ऑफिसर का बिहेवियर में सही नहीं लगता है। और कॉन्फिडेंस रखना है, बस इन चीजों का ध्यान रखना है। तो सर अगर मैं आपको धन्यवाद, उससे पहले एक बार मैं फाइनल एडवाइस लेना चाहता हूँ जो हमारे एस्पायरेंट्स है उनको, कि एक शॉर्ट में आप क्या मैसेज देना चाहते हैं फाइनली, कि किस तरह से बिंदास हो क्या आप तैयारी करें। सबसे पहले अभी आप रिलैक्स रहें और सब्जेक्ट को पढ़ें, जो सब्जेक्ट है आपका जिससे रिलेटेड बहाली है उसको अच्छी तरह से पढ़ें। दूसरा जनरल क्वेश्चन जो भी एग्रीकल्चर में बिहार से रिलेटेड है वो देख लें। तीसरा बढ़िया से ड्रेस कोड सिलाएं, एकदम फ्री होके जाए एक नई उमंग के साथ, कि हम एक होता है ना कि जैसे कोई फेस्टिवल में लोग जाते हैं तो इससे बड़ा फेस्टिवल नहीं, ऊर्जा के साथ नहीं जज्बा के साथ, इससे बड़े फेस्टिवल आपकी जिंदगी में दोबारा नहीं आता है। आप उस तरह के उमंग से जाएं, पॉजिटिव रूप में जाएं, ठीक है, एटीट्यूड ना रखें। और जो भी चीज हम लोग इंटरव्यू में हम लोग प्रयास किए हैं थोड़ा सा बताने के लिए, रिक्वेस्ट है कि आपको अच्छा लगे तो इसको थोड़ा फॉलो अप कीजिए, तो उम्मीद रखेंगे कि आपका अच्छा परफॉर्मेंस हो सकता है। और ये जो है ये कभी गलत जो है इंटरव्यू बोर्ड में जब भी जाएंगे तो आपका थोड़ा सा नर्वसनेस होना नेचुरल है, उसके लिए आपको स्ट्रेस नहीं लेना। आप पहले रिलैक्स हुए, पहले बैठ जाएं, आप लंबी सांस लें, बैठें, उसके बाद जो क्वेश्चंस पूछे आप जवाब दें, प्रयास करें कि बोलने का प्रयास करें। देखिए रिटन एग्जामिनेशन होता है अलग चीज है, ऑब्जेक्टिव एग्जाम अलग चीज है और इंटरव्यू अलग चीज है, कंप्लीटली डिफरेंट। इंटरव्यू में आपको किसी से कैसे बात करना है, जैसे सर ने बताया कम्युनिकेशन स्किल, ये आपका बहुत जरूरी और लाइफ का एक बहुत बड़ा पार्ट है कि अगले से आप कैसे बात कर रहे हैं, आपकी बात उसको अच्छा लगता है कि नहीं लगता है। क्योंकि आप एक किसान से जाइएगा तो बहुत ईमानदार और वो किसी को नहीं जानता है, और उनसे आपको मिलना है, वहाँ पर योजना को इम्प्लीमेंट कराना है, तो आपको उसमें फ्लेक्सिबल होना है, अच्छी तरह से इंटरव्यू दें। मेरी शुभकामनाएं आपके साथ हैं, आए हम लोग सब मिल के बिहार में जितने भी योजनाएँ सरकार के द्वारा चलाए जा रहे हैं, हमारे खास करके प्रखंड स्तरीय जितने भी सीट हैं वो सभी लगभग खाली हैं। आप लोग आए, आप लोग का बहुत वेलकम है। इन्हीं बातों के साथ अपनी बातों को खत्म करते हैं, बहुत बहुत धन्यवाद सर। तो दोस्तों आज आपने इस वीडियो में जाना मीराज आलम जी के माध्यम से कि कैसे आप इंटरव्यू की तैयारी करें, कौन कौन से क्वेश्चन है जो आपसे पूछे जा सकते हैं, कैसे तैयारी करना है वो भी सर ने बताया, पूरा डिटेल में बताया। वीडियो जरूर थोड़ा लंबा हो गया है लेकिन ये बहुत ही इंपॉर्टेंट आपके लिए होगा ऐसा हमारी उम्मीद है। हम फिर सर की सेवाएं लेते रहेंगे और आपके कमेंट्स से आपको और भी कोई सवाल हो इससे रिलेटेड तो दीजिएगा, अगर कुछ ज्यादा सवाल होंगे तो हम एक दो दिन में सबको फिर से रिक्वेस्ट करेंगे और फिर आप सवालों के जवाब देने की कोशिश करेंगे। तो इसी के साथ आज का वीडियो यहीं तक रहेगा, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक आप अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करिए और हमारे साथ जुड़िए और अपने दोस्तों में शेयर करिए, और मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।